दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज। हड़ताल में शामिल एसटी कर्मचारियों पर बीते कुछ दिनों से पुलिस द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अकोला के स्थानीय डिपो क्रमांक 1 में मंगलवार को हड़ताल में शामिल कर्मचारियों को पुलिस द्वारा आंदोलन स्थल से हटाने का प्रयास किया गया। इस मौके पर पुलिस तथा हड़ताल कर्मियों में विवाद भी हुआ। नांदेड़ से श्री गंगानगर के बीच दौड़ने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस को यात्रियों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दक्षिण मध्य रेलवे ने नांदेड़ श्री गंगानगर एक्सप्रेस में थर्ड एसी के अतिरिक्त 2 कोच बढ़ाने का निर्णय लिया है। किसी मुश्किल अथवा आपातकालीन स्थिति में पुलिस की सहायता लेने के लिए अकोला पुलिस विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई 112 की हेल्पलाइन पर झूठी जानकारी देने और पुलिस को परेशान करने का एक मामला सामने आया है। इस मामले में पुराना शहर पुलिस ने हमजा प्लॉट परिसर में रहने वाले इमरान खान उम्र 25 के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। पालक मंत्री बच्चू कड़ोजी द्वारा 3 रास्तों के लिए जिला नियोजन निधि का दुरुपयोग किया जा रहा है। यह आरोप वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर धैर्यवर्धन पुणकर ने 3 दिसंबर को किया था। इस मामले में जिलाधिकारी कार्यालय में 6 दिसंबर को सुनवाई ली गई। जिलाधिकारी ने वंचित द्वारा की गई शिकायतों के 3 रास्तों समेत 13 कार्यों को दी गई प्रशासकीय मान्यता को अगले आदेश तक स्थगित किया है। प्रदेश में 21 दिसंबर को होने वाले स्थानीय निकायों के चुनाव और उपचुनाव में ओबीसी सीटों पर चुनाव नहीं होंगे। राज्य चुनाव आयोग ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार ओबीसी सीटों के चुनाव पर रोक लगा दी है। मंगलवार को राज्य चुनाव आयुक्त यूपीएस मदान ने यह जानकारी दी। जिले में वैक्सीनेशन की गति भले ही बढ़ गई हो, लेकिन अभी भी वैक्सीनेशन का काम बहुत बाकी है, क्योंकि जिले के 73.99% नागरिकों ने ही पहला डोज लगवाया है, लेकिन 34.42% नागरिकों ने दूसरा डोज लिया है। वैक्सीनेशन का प्रमाण बढ़ाने के लिए कई पहल की जा रही है, जिसके चलते अकोला राज्य में 24वें पायदान पर पहुँच गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ओबीसी आरक्षण को स्थायी रूप से कमजोर करने की ठाकरे सरकार की साजिश का पर्दाफाश कर दिया है और इसी तरह राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को आर्थिक रूप से तंग करके राजनीति में ओबीसी के अस्तित्व को समाप्त कर दिया है। यह आरोप जिला भाजपा अध्यक्ष विधायक रणधीर सावरकर जी सहित विधायक गोवर्धन शर्मा जी ने लगाए हैं। शहर तथा जिले में कभी हल्की ठंडी, कभी हल्की बारिश, तो कभी कभी गर्मी और उमस, इस तरह का मौसम शुरू है। वहीं काफी दिनों से मौसम बदलीला है, धूप तेज नहीं है, इसी कारण कई बीमारियां बढ़ रही हैं। वहीं सरकारी मेडिकल कॉलेज, सर्वोपचार अस्पताल एवं निजी क्लिनिकों में इस समय सर्दी, खांसी एवं बुखार से पीड़ित रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। अकोला अकोट मार्ग की ओर अकोट फेल से होकर रेल पटरियों के ऊपर से होकर गुजरने वाले पुल के सीमेंट के रेलिंग्स कहीं कहीं बुरी तरह से टूट गए हैं। रात्रि के समय कोई वाहन अनियंत्रित होकर इस हिस्से से टकरा कर बड़ी दुर्घटना भी घट सकती है। संबंधित विभाग तुरंत इस ओर ध्यान दे। कृषि सेवा केंद्रों को अब लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से लेकर लाइसेंस स्वीकृत कराने तक सभी चरणों से ऑनलाइन गुजरना होगा। इसलिए माना जा रहा है कि तालुका के कृषि अधिकारियों और कर्मचारियों की स्थायी स्तर की दुकानें बंद हो जाएंगी और कृषि दुकानदार जल्द ही दुकान चलाने का परवाना ऑनलाइन पा सकेंगे। दिव्य हिंदी न्यूज, हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते हैं, बल्कि हम लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश और दुनिया की आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से हमेशा अपडेटेड रहने के लिए अभी दिव्य हिंदी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।